का एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी मांग रखी है कि चंडीगढ़ हमारा है, क्या कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से संविधान को, इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने का काम किया है हरियाणा प्रदेश के अंदर, इसको लेकर के बड़ा रोष है और उसकी निंदा करते हैं। चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का हक है, उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको आम आदमी नहीं, ये पार्टी जो केजरीवाल साहब और भगवंत मान है ये नहीं छीन सकते। चंडीगढ़ हरियाणा का है, हरियाणा का रहेगा चंडीगढ़, क्योंकि जब बसा था तब ये अंबाला जिला था, अंबाला जिला की जमीन के ऊपर ये चंडीगढ़ बसा है और चंडी मंदिर के नाम से ये चंडीगढ़ पड़ा है, वो भी पंचकुला जिला के अंदर है, इसको कोई रोक नहीं सकता। चंडीगढ़ के ऊपर पूर्णतः हक अगर किसी का है तो हरियाणा का है। ये भगवंत मान आम आदमी की सरकार जो इसने झूठे वायदे जनता के साथ किए थे और झूठे वादों के बल के ऊपर इन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल की है, आज उनका ध्यान डाइवर्ट करने का काम इसके माध्यम से किया जा रहा है। अरे उसको तो ये चाहिए था कि जो मैंने वायदे किए हैं उन वायदों को तो कम से कम मैं पूरा कर लूँ। ये इस प्रकार का लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना और इस प्रकार का अविश्वास असंतोष का माहौल पैदा करना, ये इनको शोभा नहीं देता, क्योंकि हरियाणा का जो हक है चंडीगढ़ को बरकरार है। और इसके साथ साथ हरियाणा क्योंकि पंजाब का छोटा भाई है और छोटा भाई होने के नाते जब अलग हुआ था तो हमारा एग्रीमेंट जो SYL के पानी को लेकर के हुआ था वो पानी भी हमें चाहिए। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर कहा कि उस पानी के ऊपर हरियाणा का हक है और वो पानी भी हम लेकर के रहेंगे इसके ऊपर, क्योंकि कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष सत्र बुलाया और उसके अंदर बैठ करके सारी चर्चा होगी। हम इसकी पूरी निंदा करते हैं, जो शब्द उन्होंने लोक अपनी विधानसभा के अंदर ये इस प्रकार का कानून पास किया वो निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है।